अभी तो खाली बोतल का सब जांच कर रहा है, समझ गए ना? अभी कुछ दिन के बाद इसके बारे में सब बात पता चलेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा। इसको पहले देखना है कि सही मायने में वहां पर कोई दारू पिया था या यूं ही किसी ने फेंक दिया। पूरा गहराई से कर रहा है जांच। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इसे देख रहे हैं द इंडिया टॉप। आज जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में मिली शराब की बोतल को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब उनसे इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की जाँच हो रही है, उन्होंने एक्शन के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जब तक पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक इस पर कुछ भी कहना उनके लिए सही नहीं होगा। सुनिए आप कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी तो खाली बोतल का सब जांच कर रहा है, समझ गए ना? अभी कुछ दिन के बाद इसके बारे में सब बात पता चलेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा। इसको पहले देखना है कि सही मायने में वहाँ पर कोई दारू पिया था या यूं ही किसी ने फेंक दिया। तो पूरा गहराई से कर रहा है जांच। तो अभी कुछ बोलना मेरे लिए उचित नहीं, लेकिन अलर्ट हमने कर दिया। अब कोई भी अधिकारी कहाँ जांच पड़ताल के लिए भी जा रहे हैं तो रिपोर्ट आ रही है, वो हम देखें। अभी हाल में एक जो हम लोगों के सरकारी अधिकारी हैं कहीं गए देखने के लिए किसी चीज़ को पूरे तौर पर, तो पता चला कि उधर कोने में था। तो ये देखने वाली बात कि वाकई कोने में था कि कोई ऐसे ही फेंक देता ताकि वो चर्चा में आए। तो दोनों दृष्टिकोण से काम कर रहा है। अब कुछ दिन के बाद पता चलेगा। और ये तो मालूम है ना भाई कि कुछ तो दारू पीता ही रहा, अब उसमें कौन सी कहाँ क्या कर दिया। तो अब एक्शन तो बहुत हो रहा है, अब एक्शन तो शुरुआत हो गई। और आप देख रहे हैं कि आज भी आकर के जो बताया है तो उसकी समस्या का समाधान तो कर ही देंगे, लेकिन जो बात बता रहा है कोई अपने अपने यहाँ के बारे में कि साहब जो धंधा कर रहा है, तो तत्काल इन लोगों को भी जानकारी दे दी है कि तुरंत देखिए, तत्काल जानकारी लीजिए। अरे वो उसका कंप्लेन नहीं है, लेकिन बातचीत से मालूम हो रहा है कि कहाँ कहाँ पर कौन किस जगह पर क्या कर रहा है। तो एक एक चीज़ को ये लोग देख रहे हैं। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सतर्कता है, पर आप जानते हैं पटना के बारे में तो हमने कहा ही है कि सबसे ज़्यादा तो पटना को देखना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर पटना में पूरी कार्रवाई आप नहीं करिएगा तो पटना जब नियंत्रण नहीं होगा तो उसके बाद कोई होगा। और देखिए पटना की भावना कैसी अच्छी, जब हम लोगों ने तय किया 2016 में कि अभी तत्काल हम लोग बड़े शहरों का नहीं करेंगे, मैंने विदेशी शराब वाला, देसी उसी सब तो बंदे कर दिया था, लेकिन कितना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और 5 दिन के अंदर हम लोगों ने कहा कि नहीं सब जगह बंद होगा। तो मतलब अंदरूनी तौर पर तो लोग चाहते हैं कि शराबबंदी हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता, हम हमेशा बोलते हैं। तो इन सब एक एक चीज़ों पर सजगता है। अब आज के लिए वो नया चीज़ आया कि जगह जगह कहीं ये वो देख लिया और उसी को लेकर के वही चर्चा में। तो हम थोड़ा और कॉन्शस हुए हैं कि भाई जो हम लोग काम करते हैं वो दिल्ली के अंग्रेजी अखबार में नहीं रहता, लेकिन ये सब घटना दिल्ली के अंग्रेजी अखबार में छपा है। तो जो हम रोज अखबार बात देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस दौरान विधानसभा के परिसर में एक शराब की बोतल मिली थी, जिसे लेकर के सदन में काफी हंगामा हुआ था और इसी को लेकर के अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए जांच जारी है और जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही वो इसको लेकर के कुछ कहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।